सो रेडी है अभी हम लोग खाना खाने के लिए। जो चटनी बनाई थी मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके लेंगे, ज़्यादा नहीं खा पाएंगे क्योंकि ये कड़वा लगता है ज़्यादा। टेस्टी तो है बहुत, देवरानी को भी बहुत पसंद है। अभी हम लोग खाएंगे। ये अरबी का भाजी लिया मैं, इनको पसंद नहीं था अरबी का भाजी इसलिए आलू भाजी उनके लिए। वाह बहुत टेस्टी है ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ घर पे किचन पे। आज कुछ खास नहीं है, आज वो छोटा मछली जो है सुखा के हम लोग पीस के बनाते हैं ये सब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग तो सीधा बोलते हैं इसको, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। मैं आज इसको चटनी बनाऊंगी, पानी डालना पड़ेगा। पानी किधर है? थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं। इसको तेल के साथ भी फ्राई किया जा सकता है लेकिन मैं पानी के साथ बॉईल करूंगी। मैं बॉईल करके बनाऊंगी क्योंकि मुझे बॉईल करके ही अच्छी लगती है, तेल के साथ नहीं। और थोड़ा सा मिर्च लूंगी मैं, फीका बनाऊंगी। ये मिर्च है, आज कुछ खास नहीं है ऐसे घर पे। और मैंने अरबी का भाजी बनाई है, देख सकते हो दाल बना दिया इसने। और ये चटनी बनाएंगे। तो उबल रहा है देख सकते हो, उबल तो रही है। देखो किस तरह उबल रहा है गाइस, काला काला है। ये भी कमेंट करना बताना गाइस, कमेंट करके बताना आप लोग गांव में ये सब मिलता है कि नहीं मिलता है ये भी बता देना। और दूसरी बात, ये कभी खाया आप लोग, ये भी खाया कि नहीं खाया वो भी कमेंट करके बताना। ये देसी मछली जो है ना सुखाया, सुखा के पिसाया, इसके ऐसे बनाया। तो पानी पूरा सुखाऊंगी मैं इसको, पानी रहना नहीं चाहिए नहीं तो गिल्ला गिल्ला हो जाएगा। तो हो गया गैस, थोड़ा सा हो गया अभी, चटनी उतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा होगा। कर देती हूँ अभी मिर्च आग में डालने वाली हूँ मैं। बिल्कुल देसी स्टाइल है, गांव का स्टाइल है ये। लहसुन भी देना पड़ेगा, तो हो गया। थोड़ा सा मैं लहसुन डालूंगी, ये पांच पांच फोल के लिए मैं लहसुन और मिर्च नमक। अब इसको अच्छे से कूटूंगी मैं, कूटने वाले हैं अच्छे से। तो ये मिर्ची और लहसुन बारीक हो गया अभी देख सकते हैं। अभी डालूंगी मैं, थोड़ा सा है ना दिख ही नहीं रही। देखो पूरा काला काला दिख रहा है। तब तेल डालूंगी मैं, सरसों का तेल। अरे बाप ज़्यादा हो गई, होने देना, अच्छा लगता है तेल ज़्यादा होएगा तो। देखो मीनू जी के कितना पसीना छूट रही है, कितना गर्मी हो रही है, पूरा बैक साइड पूरा गिल्ला है। हो गया ना, अभी देखो मस्त
इतना काला काला सा चटनी, जैसे कि अरबी के पत्ते के जैसा चटनी हो गया ना। तो हो गया मेरा ये, अभी खाना खाने वाली हूँ मैं, अपनी देवरानी को बुलाती हूँ, होने वाली देवरानी को खाना खाने के लिए। मेरी बेटी भी खाई के बोलता है चटनी। पानी लाना जरा बेटी, अंदर बोतल में है पानी। थैंक यू। खाना खाने का टाइम पर पानी नहीं पिएगा ना खाना घुसता ही नहीं मेरा, पानी पीना ही पड़ता है। अरबी का भाजी खाना खाली घुस जाता है, मालूम ही नहीं पड़ते। हो गया, फिर भी चटनी बचा है। चटनी ऊपर खा लो ना पूरा, खाली चटनी खाया नहीं जाता है चावल के साथ। तो राइस लो थोड़ा, राइस पीस है।